हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब एडिटर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पायनियर पाथ इंडिया फाउंडेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जो कि 2 मंथ पहले निकाली गई थी। उसके लिए जॉब रिक्रूटमेंट की मेरिट लिस्ट बन के आई हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। यहाँ पर हमारे चैनल के द्वारा, जॉब एडिटर चैनल है जो हमारा, उसके द्वारा हमने पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कैटेगरी में, जिसमें 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज को पब्लिश किया था। यहाँ 1 मंथ पहले इसकी जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी सारी मिली थी। ये सारी लिस्ट भी बनाई हुई है हमने, प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसके अलावा हम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड इस फील्ड में आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ था, तो आप यहाँ पर PPIF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यहाँ पर कमेंट भी आ चुका है कि इसकी मेरिट लिस्ट हम कैसे देखें, हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, हम इसके लिए कैसे चेकअप करें। सो गाइस, यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ की, बेसिकली 3 स्टेट की अभी आ चुकी है मेरिट लिस्ट। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने देखा MP में देख रहे हैं हम मेरिट लिस्ट, जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की है। इसमें एप्लीकेशन नंबर्स दिए गए हैं। सो गाइस, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था, जब आपको मेल आया होगा पेमेंट एक्सेप्टेड होने के बाद, तब आपको उसमें एक एप्लीकेशन नंबर आया होगा। वहां पर वो एप्लीकेशन नंबर को कॉपी और पेस्ट करके आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ नोट दिया गया है, जिसमें दिया है सिलेक्टेड कैंडिडेट 750 हैं। ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट निकाली गई थी। जिसमें ऑल इंडिया से 1500 पोस्ट थी एंड सिर्फ MP में 300 पोस्ट थी। तो यहाँ पर 750 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। इंटरव्यू के थ्रू आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। इंटरव्यू में आपको बता दिया जाएगा डेट, टाइम, वेन्यू ईमेल के द्वारा। और अगर यहाँ पर दिया गया है कि 70.40 कट ऑफ ऑल कैटेगरीज में गया है। सो गाइज, अगर किसी के 70.40% थे और उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में, तो mpsupport@ppifoundation.org पर जाकर यहाँ आप रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा लिस्टेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनको क्वेरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि ग्रेजुएट लेवल पर थी, इसके लिए कट ऑफ गया है 68.06% फॉर ऑल कैटेगरी। एंड यहाँ पर भी ईमेल के द्वारा आपको डेट, टाइम, वेन्यू बता दिया जाएगा। टोटल कैंडिडेट्स 375 यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर भी ऑल इंडिया से 786 पोस्ट थी एंड यहाँ पर 180 प्लस समथिंग पोस्ट निकाली गई थी, जिसके लिए 375 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। एंड नेक्स्ट है यहाँ सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए, जिसके लिए मोर ओवर यहाँ पर थाउजेंड्स में आए हुए हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट के नेम्स। एंड यहाँ पर दिया गया है लास्ट में 4500 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं फॉर दी पोस्ट ऑफ 1800। एंड यहाँ पर बल्क में वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था। 66.40 यहाँ पे ऑल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स गए हैं। एंड यहाँ पर बता दिया जाए कि सारे एग्जामिनेशंस नहीं होने वाले हैं, सिर्फ इंटरव्यू बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एंड आपने यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट फिलअप किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वेन्यू और टाइम दिया जाएगा इंटरव्यू। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए 10th पास मांगा गया था, तो बल्क में वैकेंसीज को पब्लिश किया गया है। सो गाइस, दिस इज एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी विल अश्योर यू टू गिव आंसर। बने रहिए जॉब एडिटर चैनल। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।